आज की ज़ेन कथा। सुबोधि बुद्ध के शिष्य थे। वो शून्य के सामर्थ्य अर्थात इस दृष्टिकोण को कि निरपेक्षता और सापेक्षता के आपसी संबंध के अतिरिक्त किसी और का कोई अस्तित्व नहीं है, समझने हेतु सुयोग्य थे। एक दिन सुबोधि नितांत शून्यता के उस भाव में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। फूल उन पर झरने प्रारंभ हो गए। हम शून्यता पर दिए गए तुम्हारे प्रवचन की प्रशंसा कर रहे हैं, देवताओं ने उनके कान में कहा। पर मैंने शून्यता के संबंध में बोला ही नहीं, सुबोधि ने कहा। तुमने शून्यता के बारे में नहीं बोला। हमने शून्यता के बारे में सुना नहीं, देवताओं ने उत्तर दिया। यही सच्ची शून्यता है। और फूल सुबोधि के ऊपर वर्षा की भांति गिरते रहे। आज की ये ज़ेन कथा पूरी हुई। ध्यान के लिए बैठेंगे। जिस शून्य भाव की बात की गई है इस कथा में, बातों से शब्दों से कहा नहीं जा सकता, बस उसे अनुभव किया जा सकता है। शांत और स्थिर होकर बैठेंगे 20 मिनट के लिए। संगीत चलेगा और बिल्कुल शून्य भाव में कुछ भी करना नहीं, बस चुप, वर्तमान में मौजूद हैं, अभी और यहीं हैं, बैठे हैं। जो भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक हैं। अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना। और इसके साथ ही ये ज़ेन कथा का ये सेशन पूरा हो जाएगा। बैठें।